चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सारी गाड़ियां ढकी हुई है। सुबह नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ नजारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं जब मनाली बस स्टैंड पे पहुंचा था तो काफी मूड खराब था, लेकिन जब तक होटल आए हैं तब तक होने लगी जोरदार स्नोफॉल और हम लोगों का मूड हो गया एकदम जबरदस्त झक्कास। और अभी हमने ले लिया है रूम और आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। और अंश कुछ अपना सामान रख रहा है और अभी यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे कुछ खाने पीने का जुगाड़ करेंगे और मॉल रोड घूमेंगे। क्या कहते हैं अंश? बिल्कुल जवाब। मैंने टोपी इसलिए पहनी बिकॉज मुझे लग रही है क्या ठंड। नहीं तो अभी तो पहनना बनता साहब। मैंने ये बंदा कह रहा था कि मैं जब तक नहाता नहीं हूँ तब तक मेरे को नींद नहीं आती। अभी क्या कह रहे थे ना यार, स्नोफॉल आते साथ में सबसे पहले मैंने स्नोफॉल का स्नान किया। बिल्कुल अभी ये भूल गया, नहाने ही नहीं आया। बिल्कुल हम लोग फ्रेश नहा तो चुका यार, स्नोफॉल से नहाया तो है अभी। तो अभी फटाफट निकलते हैं और चलते हैं खाने पीने का कुछ जुगाड़ करते हैं। ये होटल के बाहर का नजारा है और यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है और ये छोटा सा एक पेड़ था जो पूरी तरह से ढक गया है। हम जब यहाँ आए थे होटल और यहाँ पे बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं थी और अभी देखने को मिल रहा है कि सारी गाड़ियाँ ढक गई हैं स्नो से। क्यों भाई? काफी मजा आ रहा है। तो इस होटल से निकले हैं और खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए और जब इधर आए तो थोड़ा कीचड़ कीचड़ था, स्नो नहीं थी, बट अभी चारों तरफ स्नो और गाड़ियों पे स्नो स्नो दिख रही है। और ज्यादा देर अगर हम लोग रहे बाहर तो हमारा गीला होने का पूरा पूरा चांस है। सुबह आए थे तो यहाँ पे बारिश का कीचड़ था, अभी स्नो फॉल इतनी तेजी से हो रही है कि उसका कीचड़ है जो बचा के चलना पड़ा क्योंकि बहुत स्केटिंग रास्ता हो गया है। और ये अंश हम लोगों ने अभी खाना खाया और उसके बाद हम लोगों को बहुत लग रही है ठंड और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी घंटे दो घंटे होटल में रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। हिडिंबा देवी टेम्पल है और इधर है बौद्ध टेम्पल जो काफी खूबसूरत लग रहा है, बर्फ से ढका हुआ है। अभी जब हम लोग होटल से निकले थे तो इतना बर्फ नहीं जमा होता है इन गाड़ियों पे और अभी इतनी गाड़ियों जम गई हैं कि देखने में मजा आ रहा है। क्यों भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और मैं इतना भीग गया हूँ कि ठंड हम दोनों को बहुत ज्यादा लग रही है, तो इसलिए होटल जाने की पूरी तैयारी में है और जाएंगे यहाँ से। अभी 2-2.5 घंटे रेस्ट करेंगे और उसके बाद ही निकलेंगे। कितनी बर्फ जमी हुई है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सारी गाड़ियाँ ढकी हुई है। सुबह नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन कुदरत का करिश्मा कहते हैं और करिश्मा ऐसा हुआ कि मज़ा ही आ गया। यहाँ पे इतने लोग आए नहीं हैं तो इस तरफ ज़्यादा बर्फ हम लोगों को देखने को मिल रही है कि चारों तरफ से वाइट वाइट ही नज़ारा देखने को मिल रहा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है हम दोनों को। और इधर आए नहीं थे हम लोग, अभी होटल जा ही रहे थे रास्ते में, इधर सारा जगह वाइट वाइट दिख रहा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इधर जाएंगे और इधर के भी शूट करेंगे और मज़े लेंगे। क्यों अंश भाई? बिल्कुल यार, चले आ जा। तो अभी चलना, इधर बहुत स्केटिंग रास्ता है और बहुत डर लग रहा है जाते हुए क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है। खाना खाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि घंटों दो घंटे रूम में जाके आराम करेंगे और उसके बाद निकलेंगे, हिडिंबा देवी टेम्पल जाएंगे। हिडिंबा देवी टेम्पल जाने का जो प्लान था वो आज का कैंसिल हो गया, कल सुबह जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम सोलांग वैली और अटल टनल की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि वो सारा जगह ही ब्लॉक हुआ पड़ा है क्योंकि इतनी हैवी स्नोफॉल हुई जिसके कारण से वो रास्ता ब्लॉक हो गया है, जिससे हमें काफ़ी निराशा हुई और हम लोग होटल के रूम में आए और इससे बाहर के निकले ही नहीं। मतलब तो यही हो रहा है कि बस पूरा जो ये महीना है यही गुजारे, बिकॉज यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो स्नोफॉल है, उसने क्या किया हमारे मन को क्या कर लिया, मोहित कर लिया है। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल खाली खाना खाने के लिए जाएंगे बाहर और उसके बाद आके इस कम्बल और रजाई में चुपचाप फिर से लेट जाएंगे, सो जाएंगे और अगले दिन उठेंगे और अगला जो प्लान होगा तो कल ही पता चलेगा क्योंकि आज का जो भी 4 बजे का प्लान था घूमने जाने का, बाहर जाने का, वो तो सब कैंसिल हो गया है इस भाई साहब की वजह से।
इसका भी मन नहीं हुआ, फिर मैंने कहा यार चल छोड़, इसने तो खैर बोला बाहर नहीं चले गए, मैंने कहा नहीं जाएंगे भाई बोर, अभी तो मन ही नहीं हो रहा है। अभी ऐसा हो गया कि इस कम्बल और रजाई के अंदर से निकलने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। और तुम अभी तो उसी की तरह कर रहे हो, मुंबई कर निखिल की तरह अभी शाम को बस जाएंगे और खाना वाना खा के फिर से यहीं पे सो लेट जाएंगे जाएंगे। तो बस। मिलते हैं खाना खाने के बाद। होटल से निकलिए, जैसे जैसे हम लोग आ गए कैंटीन में और इधर ठंड काफी बढ़ गई है, और यहाँ खाएंगे हम दो नान, और नान खाने के बाद यहाँ से जाएंगे मॉल रोड तक घूमेंगे और उसके बाद पैक हो जाएंगे होटल, और उसके बाद सीधा सुबह निकले। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल यार, एक्चुअली क्या ठंड के समय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और जो स्नोफॉल था वो भी रुक चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि कल स्नोफॉल ना हो, क्योंकि हमारे जो कल का प्लान है वो डिले हो जाए। अगर स्नोफॉल हो गया तो हमारे जो प्लान है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है कि स्नोफॉल ना हो, और अभी जो बर्फ गिरी थी वो भी पिघल गई है, जो हमारे लिए बेनिफिट है। बिल्कुल डिनर करके अभी हम आ गए मॉल रोड की तरफ। इसे मॉल रोड कहते हैं कि मॉल रोड? मॉल रोड कहते हैं, मॉल रोड कहते हैं ना। इसका मतलब तो मॉल रोड है, बाकी वैसे कहते हैं तो मॉल रोड है। बाकी जगह से यहाँ पे काफी भीड़ है, और हम यहाँ से निकल के सीधा होटल जाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ जो है ना कपकपी सी लग रही है उसमें, और ठंड काफी ज्यादा हो गई है। दिखा दो मास्क, निकाल दो मास्क, यहाँ निकलना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पुलिस ज्यादा घूम रही है सामने से। पहन रखा इनके लिए पुलिस? नहीं नहीं पहन रखा, अच्छी बात है, बाकी हम तो पहन सकते हैं ना।